नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वे ऑफ लिविंग। दोस्तों, आजकल बारिश का मौसम है और गर्मी भी बहुत हो रही है। गर्मियों में और खासकर बारिश के मौसम में हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है। सूप किसे नहीं पसंद होता। आजकल मार्केट में बहुत तरीके के सूप मिलते हैं जिन्हें हम मार्केट से लाके फटाफट बना लेते हैं, लेकिन वो सूप हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिला रहता है। हम कभी जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में भी सूप हमें बहुत हाई रेट में मिलता है, उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम होती है और उसमें भी कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यदि हम रेस्टोरेंट जैसा सूप घर पे बनाएं तो कैसा रहेगा, आज मैं आपके साथ टोमेटो सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनता है। आप भी इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा और मेरी रेसिपी फॉलो करने के लिए मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सूप बनाने से पहले हम सूप को गार्निश करने के लिए क्रूटॉन प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैंने 6 से 7 ब्रेड लिए हैं जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। हम पैन को गैस पे रखेंगे और उसमें 2 टीस्पून घी डालेंगे और ब्रेड के पीसेस को उसमें रोस्ट करेंगे। ब्रेड पीसेस को हम बीच बीच में पलटते रहेंगे। क्रूटॉन हमारे अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गए हैं, हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सूप बनाएंगे। मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से धो के टमाटर को 4 पीसेस में काट लिए हैं। इन्हें हम कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 10 से 12 हम काली मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1.5 ग्लास पानी डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि हमारे टमाटर अच्छे से इसमें डूब जाएं। इसको बंद करके हम 3 विसिल आने तक इसको कुक करेंगे। घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के ओनियन चॉप्ड किए हुए ऐड करेंगे और उसको अच्छे से सॉटे करेंगे। ओनियन हमारी अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए टोमेटो ऐड करेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो ओनियन को स्किप भी कर सकते हैं। ओनियन ऐड करने से हमारे सूप का फ्लेवर बढ़ जाता है। जब बैटर हमारा थोड़ा सा थिक हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बैटर हमारा ठंडा हो गया है, हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और छान लेंगे। अब छने हुए बैटर को पैन में डालकर 5 से 10 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे जिससे कि सूप का फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाएगा। सूप हमारा बनके रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सूप को हम क्रीम से गार्निश करेंगे और ऊपर से रेड क्रूटॉन ऐड करेंगे। Thank you.
बनाया है, इसका कलर बहुत ही अच्छा है। मैंने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज़